वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। मुस्लिम भीड़ ने 70 से ज्यादा घर जला दिए, 200 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया, लोगों के सामान लूटे गए। जी हाँ, अब जो खबर सामने आई है हैरान करने वाली है। बांग्लादेश में 15 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद नरेल के लोहरा में चरमपंथी इस्लामी भीड़ ने हिंदुओं के घर, मंदिर और दुकानों में तोड़फोड़ की थी। ये हमला एक फेसबुक पोस्ट का बहाना लेकर किया गया था, जिसे लिखने का आरोप है कि 18 साल के लड़के पर था। पुलिस ने भीड़ के जो काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लेकिन इसके बावजूद थोड़े समय की शांति के बाद हिंदुओं के घर और दुकानों को निशाना बनाना यहां पर लगातार जारी था। इस्कॉन के मंदिर के प्रवक्ता राधा रमण दास ने हमले की एक वीडियो और तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है, नरेल में लगातार 2 दिन तक जलाया गया। इन 2 दिनों में हिंदुओं के 70 घरों को जला दिया गया और 200 से अधिक हिंदुओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। संयुक्त राष्ट्र और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए सदा रमण दास ने हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर पूरी तरीके से चुप्पी पर सवाल भी खड़े किए हैं। दीपाली रानी शाले नाम के एक महिला को रोते हुए साफ देखा जा सकता है। महिला कह रही है कि ये पिछले शुक्रवार को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि उनके आगे ही उनके घर को लूट कर जला दिया गया। अब वो अपने घर की चौखट पर बैठकर रो रही है। राणा राम ने ये भी इस्लामी हमला पुलिस के आगे होने के आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान पुलिस मौजूद थी, वो सिर्फ कुछ ही दूर पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इस हमले के बाद डर के मारे 108 घरों के हिंदुओं को सन्नाटा पसर गया है और चारों तरफ यहां पर पुलिस की तैनाती जरूर लगा दी गई है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र।